बंगाल में परिवर्तन पूर्ण होगा, सत्ता के लिए संघर्ष संपूर्ण होगा, चुनावी रणभूमि तैयार है, बीजेपी के महारथी मैदान में है। बीजेपी नेताओं की रणनीति से दीदी के खेमे में जरा खलबली मची है। भगवा ब्रिगेड का एक ही लक्ष्य है, परिवर्तन रथ यात्रा से बंगाल में सत्ता परिवर्तन। यही वजह है कि परिवर्तन यात्रा को लेकर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भगवा रथ से बंगाल में विजय पथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे आवे आवे। परिवर्तन का प्रण बंगाल में महारण। बंगाल में अब परिवर्तन पूर्ण होगा। बंगाल में महासंग्राम का शंखनाद हो चुका है। टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के सूरमा मैदान में है। चुनाव से पहले बीजेपी कल से सूबे में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर रही है। बीजेपी सूबे में 5 रथ यात्रा के जरिए टीएमसी को अंतिम यात्रा में भेजने का प्लान तैयार कर चुकी है। हमारा परिवर्तन यात्रा टीएमसी के लिए अंतिम यात्रा हो रही है, इस प्रकार सोचते हैं, इसलिए उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार हम गए थे अदालत में, आप वो पहले ही चले गए हैं, इतना डरते हैं, लेकिन देखेंगे उसको, आगे तो समय है, वो किसी ना किसी प्रकार से यात्रा निकलेगी। ममता ब्रिगेड में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा को लेकर खलबली है। टीएमसी को एक नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े सियासी महारथियों से मुकाबला करना होगा। 5 परिवर्तन यात्राओं के जरिए बीजेपी सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। पहली परिवर्तन यात्रा 6 फरवरी को नवादीप से शुरू होगी, जिसे जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। ये रथ यात्रा 25 फरवरी को बैरकपुर में खत्म होगी। दूसरी रथ यात्रा 9 फरवरी को हावड़ा हुगली मेदिनीपुर जोन से शुरू होगी, इसे भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लॉन्च करेंगे। तीसरी रथ यात्रा भी 9 फरवरी को बीरभूम जिले से शुरू होगी, इसको भी जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। चौथी रथ यात्रा नॉर्थ बंगाल जोन के कूच बिहार जिले से 11 फरवरी को शुरू होनी है, इसे गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। पांचवी रथ यात्रा कोलकाता जोन के दक्षिण 24 परगना जिले से 12 फरवरी को रवाना होगी, इसे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि बीजेपी के परिवर्तन रथ यात्रा की परमिशन को लेकर तकरार जारी है। कोलकाता हाई कोर्ट में रथ यात्रा कैंसिल करने के लिए याचिका दाखिल की गई है, जिस पर 9 फरवरी को सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने अभी तक ना तो यात्रा के लिए परमिशन दी और ना ही इनकार किया है, जिससे सियासत गर्म है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय करती है। ये पॉलिटिकल रैली, तो पॉलिटिकल रैली में वो रिलीजियस थिंग लाते हैं कैसे? हम लोग तृणमूल कांग्रेस की सरकार से पश्चिम बंगाल को, जनता को मुक्त करना चाहते हैं, तो इसलिए परिवर्तन यात्रा। सब जनता का पास हमारा कार्यकर्ता पहुंचेंगे इस यात्रा का माध्यम से। टीएमसी का तर्क है कि चुनावी मौके पर धार्मिक यात्रा से सूबे का माहौल बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ रथ यात्रा के जरिए बीजेपी की मंशा कार्यकर्ताओं में जोश भरने की है, साथ ही ममता सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्लान है। और अब आरी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम के विजेता के ऐलान की। कल हमने आपसे पूछा था, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है स्टेपिस। इसके विजेता हैं किशनगंज बिहार से अमित अंजन भारती। और अब बारी देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की, और आज का हमारा सवाल क्या है वो भी जरा सुन लीजिए। और अब बारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं होमिनोडिया, अरस्तु, राना टिग्रिना या रुसर्वस डुआसेनी। जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और एलईडी टीवी जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज के विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा। तो लगातार देखते रहिए जी हिंदुस्तान, कल इसी तय वक्त पर फिर मिलूंगी आपका खास शो वंदे मातरम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।